अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बचपन में जो बेसिक मैथ्स पढ़ी है वो गलत पढ़ी है, तब आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे कि कैलकुलेशन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब उसी का यूज़ कर रहे हैं, मिस्टेक किस बात की है? असल में हमें जो मैथ्स बचपन में पढ़ाई गई वह परफेक्ट नहीं है, उसमें कई कमियां हैं। वह भारत से कॉपी की गई मैथ्स है, लेकिन फिर भी उसमें कई कमियां रह गई। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि एक विदेशी रिसर्चर का कहना है कि किस तरह वेस्टर्न्स ने भारतीय गणित को कॉपी किया और जिसकी वजह से बेसिक मैथ्स में कई मिस्टेक्स हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जोनाथन जे क्रैबट्री एक मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने गणित की हिस्ट्री को पढ़कर रिसर्च में पाया कि वेस्टर्न लोगों ने भारतीय गणित को बुरी तरह कॉपी करके अपने हिसाब से परोसा है, जिसमें उन्होंने कई कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल गलत तरीके से समझा, चाहे वो जीरो हो, मल्टीप्लिकेशन हो या नेगेटिव नंबर्स हो। इनको समझने में उन्होंने भारी भूल की है, जिसका नतीजा है कि आज हम अपनी ही भारतीय गणित जो परफेक्ट थी उसे न पढ़कर उसी गणित का विदेशी वर्जन पढ़ रहे हैं, जिसमें कई कमियां हैं। आपके बच्चे भी इसी मैथ्स को पढ़ रहे हैं। जोनाथन भारत में एक मिशन को लेकर सक्रिय है, जिसमें वो भारत के बच्चे बच्चे को ब्रह्मगुप्त की भारतीय गणित पढ़ाना चाहते हैं। ये भारत में अनेक बच्चों को भारतीय गणित पढ़ा चुके हैं और अपने मिशन को लेकर भारतीयों को जगाने में लगे हैं। जिस बेसिक अरिथमेटिक्स को हमने बचपन में पढ़ा वह यूक्लिडियन अरिथमेटिक है, जो परफेक्ट नहीं है, और वेस्टर्न्स ने भारतीय गणित को ही उल्टा समझकर उसे यूक्लिडियन मैथ्स के साथ मिलाकर प्रेजेंट किया, जिसमें कई कॉन्सेप्ट्स गलत बताए जाते हैं, जिसकी वजह से मैथ्स का रियलिटी से नाता टूट जाता है, जबकि भारतीय गणित सुपीरियर और परफेक्ट है। असल में 5वीं सदी में जब यूरोप के लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, तब भारत में गणित का विकास हो चुका था। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने तब बेसिक मैथ से लेकर कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्रिक तक की गणित विकसित कर ली थी। भारतीय गणित अरब के रास्ते से होकर यूरोप पहुंची। एक अरबी व्यक्ति अल ख्वारिज्मी ने ब्रह्मगुप्त की गणित को अरबी में ट्रांसलेट किया। ब्रह्मगुप्त ने 5 श्लोकों में गणित के 18 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अल ख्वारिज्मी ने इसे गलत ट्रांसलेट कर लिया, जिसकी वजह से उसने 1 को कोई नंबर ही नहीं कंसिडर किया और 0 तो उसने लिया ही नहीं। अरब से भारतीय गणित यूरोप पहुंची। यूरोपियंस ने 0 को सिर्फ प्लेस होल्डर के रूप में लिया, उसे पूरा नहीं समझा, जबकि मल्टीप्लिकेशन जैसे टास्क में 0 का रोल होता है। यूरोपियंस ने ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड की मैथ्स और भारतीय मैथ्स को मिलाकर गणित को प्रेजेंट किया, जहां उन्होंने नेगेटिव नंबर्स के कॉन्सेप्ट को भी गलत समझा है। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय गणित को चुराकर भी ब्रह्मगुप्त के 1000 साल बाद तक भी विदेशी लोग इसे समझ ही नहीं पाए। ब्रह्मगुप्त के 1000 साल के बाद मैथमेटिक्स की पहली बुक पब्लिश हुई, जिसमें नंबर्स को 2 से स्टार्ट होना माना गया। आज जो मैथ्स आप और आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वह भारतीय गणित का ही बिगड़ा हुआ रूप है। जोनाथन जैसे रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि ब्रह्मगुप्त की गणित को गलत समझा गया, जिससे मल्टीप्लिकेशन, 0 और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझा गया। सबसे पहले हम 0 की बात करते हैं। 0 की परिभाषा ब्रह्मगुप्त बताते हैं, समय क्यम खम, यानी कि जहां पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाए वो 0 है। किसी संख्या को उसी से घटाना 0 है। एनी नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ इज 0। इस डेफिनेशन से आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है। ब्रह्मगुप्त ने बताया कि 0 सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं, बल्कि इसका प्रयोग मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मॉडर्न मैथ्स नेगेटिव नंबर्स की डेफिनेशन बताती है कि वो नंबर्स जो 0 से नीचे है वे नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव को अलग तरीके से डिफाइन किया है। ब्रह्मगुप्त के अनुसार नेगेटिव एक विपरीत क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर के उभार को पॉजिटिव नंबर माना जाए तो उतना ही 1 मीटर का खड्डा नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी नेगेटिव नंबर का रियलिटी से संबंध है। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, 2 विपरीत डायरेक्शन में लगने वाले समान बल, ठंडा और गर्म। मॉडर्न मैथ्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तब -1 -5 से बड़ा नंबर है, जबकि भारतीय गणित में -1 -5 से छोटा नंबर है। मतलब कि 1 मीटर का खड्डा 5 मीटर के खड्डे से छोटा होगा, न कि बड़ा। मल्टीप्लिकेशन को लें तब एग्जाम्पल के लिए 2 × 2 को मॉडर्न मैथ्स डिफाइन करते हुए बताती है कि 2 को 2 बार जोड़ना, लेकिन यह डेफिनेशन परफेक्ट नहीं। इसी डेफिनेशन को -2 × -2 पर अप्लाई करें तो इसे मॉडर्न डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब ब्रह्मगुप्त बताते हैं कि 2 × 2 का मतलब 2 को 0 में 2 बार जोड़ना,
और यही डेफिनेशन माइनस टू इंटू माइनस टू पर अप्लाई करें, तब इसका मतलब होगा माइनस टू को जीरो में से दो बार घटाना, जिसका आंसर पॉजिटिव फोर ही आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जीरो का रोल होता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यों होता है? इस जीरो के कॉन्सेप्ट से इसे इजीली प्रूफ किया जा सकता है। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव न कहकर पॉजिटिव एडेड ऐसा कहेंगे। जीरो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस्ड है, उसमें हम पॉजिटिव ऐड कर दें तो यह इम्बैलेंस होकर पॉजिटिव डोमिनेंट हो जाएगा, इसलिए आंसर पॉजिटिव होगा। इसी तरह पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी पॉजिटिव सब्सट्रैक्टेड। अब जीरो में यदि पॉजिटिव हटा दें तो नेगेटिव बचेगा, इसलिए यह नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी नेगेटिव एडेड, तब नेगेटिव का डोमिनेंस होने से आंसर नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सब्सट्रैक्टेड। जीरो में से नेगेटिव को हटा लें तो पॉजिटिव बचेगा, इसलिए यह पॉजिटिव के इक्वल होता है। यह सभी लॉज ब्रह्मगुप्त ने ही बताए थे, जिसे यूरोपियंस ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। जोनाथन भारत में बच्चों को भारतीय मैथ सिखाते हैं, जिसमें रियल वर्ल्ड को ध्यान में रखकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिससे बच्चों की इमेजिन पावर बढ़ती है। इन्होंने एक पेटिशन भी लगाया है ताकि इंडियन गवर्नमेंट इनकी मदद करे और भारतीय परफेक्ट मैथ्स को पूरे भारत में सिखाया जा सके। इनके पेटिशन को आप साइन ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, भारतीय मैथ्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।